Hi everyone, welcome to the channel. In the last three parts of the chapter, first we discussed about the food of the Harappan civilization, then the agricultural technology, then their city planning, social differences, craft production, then all about their trade, then about the authority, and at last we discussed about the decline of the Harappan civilization. सब कुछ जान लिया हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बट हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमने कैसे डिस्कवरी की जो हमें आज पता है उसकी कैसे डिस्कवरी हुई राइट सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू दैट यू आर हेयर ऑन माई चैनल ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर आपको सभी कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा यू हैव द बेस्ट नोट्स राइट नाउ ठीक है तो अब देखो जब हमें हरपन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब बिगनिंग थी ठीक है हम डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी तब क्या हो रहा था जब सॉयल इरोजन हुआ करती थी फ्लड्स आया करते थे या फिर हम जब जो फील्ड है उसे प्लो कर रहे होते थे या फिर खजाने के लिए खुदाई कर रहे होते थे तो अब हमें हर अपन सील मिल जाती थी या फिर कोई आर्टिफैक्ट मिल जाता था देन द पीपल वर लाइक वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कुछ अलग सी चीज चीज है जो कि हमने कभी देखी नहीं है तो तब से हमें क्लूज जो है हमें मिलने शुरू हुए कि इंडियन सब के अंदर कोई अलग टाइप के पीपल रहते थे उनके बारे में जानना वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तब से ये जो है शुरुआत हुई ओके बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद सम न्यू टर्म्स द वेरी फर्स्ट टर्म इज माउंड, ठीक है माउंड क्या होता है दैट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस ओके अब जब लोग जो है बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहती है ठीक है तब क्या होता है वो कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर जगह को यूज कर रहे होते हैं ठीक है इसकी वजह से क्या होता है बहुत सी चीजें जो हैं वो वहां पर डिस्कार्ड भी करते हैं ठीक है गिराते गिराते हैं कि जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए इसकी वजह से क्या होता है विद टाइम जो उस जगह पे एक ऑक्यूपेशनल डेब्रेस बन जाते हैं मतलब काम कर करके एक बहुत बड़ा ढेर सा बन जाते हैं ठीक है उसे बोलते हैं माउंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेटिग्राफी अब अगर हम अपनी पूरी अर्थ के अंदर की लेयर्स को देखें मतलब सॉयल प्रोफाइल को देखें तब क्या है हमारे पास अलग अलग लेयर्स जो हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी है मतलब कि जैसे हर एक लेयर की, हर एक स्ट्रेटिग्राफिक लेयर की जो है अपना एक कलर होगा उसकी सॉइल का अपना एक टेक्सचर होगा उसके अंदर अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे आर्टिफैक्ट्स का मतलब ऐसी चीजें जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट की है ठीक है तो आप देख सकते हैं हर एक लेयर के अंदर अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग चीजें मिल रही हैं, अलग अलग कलर है तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है देखो जिस पे आज हम रह रहे हैं वो सबसे यंगेस्ट होती है क्योंकि अभी वो सबसे ऊपर है ठीक है जैसे जैसे हम नीचे खोदते जाते हैं हमें सबसे ओल्डेस्ट टाइम की जो है आर्ट मिलने शुरू हो जाते हैं उसके बाद आखिरी टर्म है स्टराइल लेयर स्टराइल का मतलब होता है अनफर्टाइल ठीक है अब किसी भी जगह को मान लो लोग वहां पे रहते नहीं है ठीक है फॉर एन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हार्श सी कंडीशन वाली जगह है वहां पे लोग अबंडन कर गए हैं ठीक है ठीके? डेजर्ट टाइप का एरिया है तो उस लेयर को हम बोलते हैं स्टराइल लेयर क्योंकि वहां पर लोग नहीं रहते हैं इसकी वजह से उस लेयर के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता मतलब कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलता ओके अब सबसे पहले पर्सन जिसने शुरू किया ही वॉज एलेग्जेंडर कनिंगम ठीक है ही इज हैडर कनिंगम द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एलेग्जेंडर कनिंगम्स कन्फ्यूजन ठीक है इन्हें कुछ कन्फ्यूजन थी क्या थी देखो अब ये जो पर्सन थे ना इनका जो इंटरेस्ट था और इनकी जो स्टडी थी ना इन्होंने अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की कर रखी थी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का क्या मतलब होता है सिक्स सेंचुरी बीसीई टू फोर्थ सेंचुरी बीसी की टाइम की इन्होंने स्टडी कर रखी थी ओके okay, अब देखो सिक्स सेंचुरी बीसी को हम कैसे लिखेंगे वन बीसीई, ओके एंड फोर्थ सेंचुरी बीसी को हम लिख सकते हैं फोर हंड्रेड पहले आएगा ओके okay, देन थ्री हंड्रेड वन बी सी ये जो कंसेप्ट है आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड इन द नेक्स्ट चैप्टर ठीक है फर्स्ट वीडियो देख लेना नेक्स्ट चैप्टर की अब देखो इस टाइम के बारे में इन्होंने स्टडी कर रखी थी मतलब कि आपने आपको पता ट्वेंटी सिक्स बीसी के अंदर जो है ये हराप्पन सिविलाइजेशन आई थी तो उसके बाद की इन्होंने स्टडी कर रखी थी इसलिए इन्हें कोई क्लू नहीं था उस टाइम पीरियड के बारे में ठीक है हराप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में इन्हें कोई क्लू नहीं था उसके बाद ये जो है जब भी इन्हें कोई भी चीज मिलती थी ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो थे पिलग्रिम्स हुआ है जो तीर्थ यात्रा पर आते हैं ठीक है रिलीज

के टाइम पीरियड का है मतलब इन्हें कुछ भी क्लू नहीं था तो ये जो है अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उस सील की की जो है डेट निकालने की कोशिश करते थे जो कि गलत होती थी ठीक है इन्हें बहुत आर्टिफैक्ट मिले स्क्रिप्ट मिली और सील्स भी मिली पर ये अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली गलत जो है उसकी डेटिंग निकाल देते थे और इन्हें ये क्लू नहीं आया कि कोई हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी ठीक है इनके अकॉर्डिंगली काफी स्कॉलर्स की तरह जो है ये भी सोचते थे कि जो सबसे पहली सिटीज थी ना वो गंगा वैली के आसपास जो है वो ओरिजिनेट हुई थी ठीक है कई लोग सोचते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता था बट दे न्यू की गंगा वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहली सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ठीक है अब उसके बाद एक नया पर्सन आता है सेकेंड टॉपिक है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब कि हमें एक नई जो है हमें नया नया पता चलेगा कि हरप्पन सिविलाइजेशन है कि बहुत पहले बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कवरी होगी हमारे पास ठीक है जो दयाराम साहनी है इन्हें जो है हरप्पा के अंदर बहुत सी सील्स मिली ठीक है आप कैसे याद रख सकते हैं इन्होंने हरप्पा के अंदर डिस्कवरी की हरप्पा की बहुत बुरी हालत थी आपको पता है तो उसके ऊपर दया आ रही थी ठीक है तो दयाराम साहनी जी ने वहां पे डिस्कवरी की और हमारे रखालदास दास बनर्जी जो है इन्होंने मोहनजोदारो के अंदर इन्हें बहुत सी सील्स मिली तो हमारी जो जॉन मार्शल है जो कि 1924 के अंदर एस आई के डायरेक्टर जनरल थे यू कैन कमेंट मी कि ए एस आई की, की फॉर्म क्या है ठीक है जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो डायरेक्टर जनरल थे ऑफ ए एस आई वैसे ही ये थे तो जॉन मार्शल ने इन 1924 ये ऑफिशियली जो है अनाउंस किया कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके इंडस वैली के आसपास जो है एक नई सिविलाइजेशन डिस्कवरी हुई आफ्टर द डिस्कवरी एस एन रॉय जिन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्क्योलॉजी नाम की बुक लिखी है इन्होंने कहा मार्शल लेफ्ट इंडिया थ्री थाउजेंड ओल्डर ओल्ड देन ही हैड फाउंड हर। मतलब कि हमें पहले था कि गंगा वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही जो है लोग रहा करते थे पर अब हमें उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन मिली है तो मार्शल ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है ओके okay. अब ये जो जॉन मार्शल है इनके आने के बाद इंडिया की आर्कियोलॉजी के अंदर एक मेजर चेंज आया क्या ये जो है आज तक के पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं मतलब कि इन्हें एक्चुअल में एक्सपीरियंस था कि आर्कियोलॉजी कैसे की जाती है ठीक है ये जो है इनके पास एक्सपीरियंस था आर्कियोलॉजी का इन ग्रीस एंड क्रीट इन्होंने इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो है बहुत सी आर्कियोलॉजी की है एक्सकोवेशंस की है ठीक है पर इनका एक ड्रॉबैक था कि हॉरिजोटल एक्सकोवेशंस करते थे दैट मीन्स की स्ट्रेटीग्राफिक लेयर्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे ये ऐसे हॉरिजोनटली जो है एक्सकोवेशन करते रहते थे खुदाई करते रहते थे और आर्टिफैक्ट को देखते रहते थे ओके okay. नाउ तीसरे पर्सन आते टॉपिक का नाम है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन व्हीलर e. जो है वो 1944 के अंदर ए एस आई के डायरेक्टर डिरे, जनरल बनते हैं ए एस आई आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है ये स्ट्रेटिग्राफी को जो है बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ठीक है और इन्होंने जो है मिलिट्री का इनका जो है बैकग्राउंड रहा है ठीक है तो स्ट्रेटिग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस लेयर के अंदर जो चीज मिल रही है ना उसकी वजह से उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट की डेट पता करी जा सकती है ठीक है अब देखो इंडिया और पाकिस्तान का जब इंडिपेंडेंस के बाद जो है पार्टीशन हो गया था इसकी वजह से क्या हुआ जो मेजर हरप्पन साइट्स हैं मतलब बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी साइट्स हैं ना जैसे कि मोहनजोदारो जोदारो हरप्पा ये सारी साइट्स जो है वो पाकिस्तान में चली गई हैं पर इंडिया के अंदर भी बहुत से एफर्ट्स किए गए उसके बाद ताकि इंडिया के अंदर जो साइट्स हैं उनके बारे में जाना जाए जैसे कच्छ पंजाब और हरियाणा के अंदर की गई और बिल्कुल रिसेंटली जो है कालीबनगन लोथल गरही और फॉर राखी गर्ण धोलावीरा के अंदर जो है एक्सकवेशन की गई ठीक है अब सीबीएसई में प्रीवियस ईयर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस इन हरप्पन आर्कियोलॉजीज क्या न्यू इश्यूज हैं इसे एक्सप्लेन करो तो क्या क्या नई चीजें जो है हरप्पन आर्कियोलॉजीज के अंदर इंपॉर्टेंट थी जो हमारे स्कॉलर्स हैं जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कल्चरल सीक्वेंस के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो डालना शुरू कर दिया मतलब इन आर्टिफैक्ट्स के बाद ऐसे टाइप के आर्टिफैक्ट्स आए ये सब कुछ ठीक है उसके बाद इन्होंने इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंस दी कि एक्चुअल में इन साइट्स की यही लोकेशन क्यों है ठीक है लॉजिक क्या है इन साइट्स का हरप्पा के अंदर इतनी सब कुछ हमें मिला है मोहन के अंदर मिला है तो क्या लॉजिक है उसके बाद इन्होंने आर्टिफैक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टडी किया और उनके फंक्शन को ढूंढने का जो है इन्होंने काम किया ठीक है तो ये तीन इश्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद नाइनटीन के बाद इंटरनेशनल कई एजेंसीज आई और इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बहुत से एफर्ट्स करे कि हम नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाने और हम हर एक छोटे से भी एविडेंस को बहुत माइन्यूटली देखें और उससे पता करें अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन ओके सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कवरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन जिसके अंदर तीन लोगों के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट एलेक्जेंडर कनिंगम उसके बाद हम बताएंगे जॉन मार्शल के बारे में उसके बाद वी विल बी टेलिंग अबाउट आर ई एम व्हीलर अब अगला टॉपिक है बड़ा टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट अब हमने डिस्कवरी की उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट दैट ठीक है अब देखो कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं ठीक है मतलब कि वो डीकम्पोज कर जाते हैं विद टाइम ठीक है जैसे हम वुड देखें लेदर देखें ये सारी चीजें डिकम्पोज कर जाती हैं ठीक है ठीके? और कई जैसे स्क्रिप्ट है हमारी स्क्रिप्ट हमें आ, अभी तक पता नहीं चला है ठीक है ये दो चीजों ने हमें जो है प्रॉब्लम कॉज करी है कि कई चीजें तो ऐसे ही खत्म हो गई और स्क्रिप्ट मिली तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा उसके बारे में और जो हमें मिलते हैं ना वो एक्चुअल में क्या होते हैं देखो हम कोई चीज यूज करते हैं तो हम फॉर एन एग्जाम्पल गोल्ड का हमारे पास कुछ है तो जो वो गोल्ड है हम उसे यूज करते रहते हैं जब वो गोल्ड की चीज टूट जाती है तब हम उसे रिसाइकल करके दोबारा से यूज करते हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम उसे तो बिल्कुल ही रिसाइकल कर करके यूज करते हैं पर जो आर्क्योलॉजिस्ट को मिला उनके अकॉर्डिंगली वो सिर्फ ऐसी चीजें थी जो कि यूजलेस थी या फिर टूट गई थी जो कि गिरा दी गई थी इसलिए हमें जो है ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं पता चलता अब देखो सबसे पहली प्रॉब्लम है क्लासिफाइंग फाइंड्स अब जो जो हमें मिले हैं हम उसे क्लासिफाई करते हैं। कोई भी आर्टिफैक्ट मिले अकॉर्डिंग टू द मटीरियल किस मटीरियल का बना है ये स्टोन का क्ले मेटल बोन आइवरी किस चीज का बना है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे क्लासीफाई कर लेते हैं या फिर हम फंक्शन हमने पढ़ा ना न्यू इशूज के अंदर फंक्शन की कि किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है वो आर्ट इफेक्ट सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि ये चीज जो है वो किस चीज के लिए यूज की जाती थी देखो हम क्या करते हैं वी रिजेंबल दैट पर्टिकुलर थिंग विद द प्रेजेंट डे थिंग्स मतलब फॉर एन एग्जाम्पल हमें बीड मिल रहा है कोई पुराने जम, जमाने का हरप्पन टाइम का हमें कोई मोती मिल रहा है तो आज के टाइम में मोती यूज होते हैं तो हमने देखा कि हाँ यार इसकी ना कोई माला टाइप बन सकती है तो हमने क्या करा प्रेजेंट डे के साथ कनेक्ट कर लिया उस चीज को ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि कहां पर मिली है वो चीज क्या वो घर में मिली है क्या वो एक किसी ग्रेव में मिली है मतलब किसी बरियल में मिली है या फिर वो किल्न में मिली है किल्ल का क्या मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर पोर्ट्री जब फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक ऐसे पोर्ट बना लिया उसे आप बर्न करके जो है पकाते हो ना उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किल्न बोलते हैं तो कहां पे मिली है वो भी क्लू देता है कि एक्चुअल में चीज किस के लिए यूज होती थी, ठीक है? या फिर हम इनडायरेक्ट एविडेंस के अकॉर्डिंगली काम करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल मिला छोटा सा है ना हमने क्या करा मेसोपोटामिया के अंदर भी वैसा सेम मिला है। तो वहां पर हमें बहुत से एविडेंसेस मिले हैं कि वो किंग है ठीक है तो हमने कनेक्ट किया हरप्पा के साथ और हमने कह दिया कि ये जो है एक प्रीस्ट किंग है तो अब देखो इसके अंदर बहुत से अजम्पन्स यूज किए जाते हैं है ना और विद टाइम जो है जैसे जैसे हमें चीजें मिलती हैं और एविडेंस मिलते हैं तभी हम श्योर चीज के ऊपर पहुंच पाते हैं मतलब विद डेवलपमेंट ही हम जो है एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं ठीक है जब तक हमें और एविडेंसेस नहीं मिलते हम बिल्कुल श्योर होके नहीं कह सकते तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम अब दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब हमें एक्चुअल में ना कई बार अन्जम्पन जो है एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली उसमें भी प्रॉब्लम आती है ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर हम हरप्पन सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन जब भी आएगा टेल अबाउट द रिलीजियस बिलीफ तो आपको ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना है जब हमने बात करी रिलीजन की हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना इसी के अंदर आई है देखो क्वेश्चन आएगा आपके पास मेनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हरप्पन रिलीजन आर मेड ऑन द एक्सप्लेन मतलब हम ना क्लू के अकॉर्डिंगली हम uh, मतलब ये जितनी भी हमने बातें बताई हैं वो हम क्लू से ही गैस करके ही बता पाते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करो तीन मार्क्स में आएगा ठीक है अब देखो कई चीजें हमें बहुत अनयूजल सी अनफेमिलियर सी मिली है जैसे कि ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है जिसके अंदर इन्होंने एक हेड ड्रेस डाल रखी है और बहुत सी ज्वेलरी भी डाल रखी है तो अब हमें यू नहीं पता कि ये क्या मतलब किस चीज को सिग्निफाई करता है क्या ये एक मदर गॉडेस है मतलब कि आ, क्या ये कौन है ये हमें नहीं पता चला उसके बाद हमें ये प्रीस्ट किंग का जो है स्कल्पचर मिला इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला देन वी गोट दिस स्ट्रक्चर ठीक है कई लोग कहते हैं आप देख सकते हो कि ये जो ये वाले लिंग ये जो है स्ट्रक्चर ये शिवलिंग जैसा है तो शायद ये लिंग है ठीक है मतलब पॉलिश्ड स्टोन्स है जो कि शिव शिव जी से कनेक्ट किए जाते हैं रिलीजियस पर्पज के लिए कनेक् जो है रखे जाते हैं पर जब हमें कई लोग कहते हैं कि ये जो है बोर्ड गेम हुआ करती थी जैसे कैरम बोर्ड होती है ना वैसा कुछ गेम है ये सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस उसके बाद हमें कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जैसे कि ये ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो के अंदर है आफ्टर दैट वी गॉट द एविडेंसेस ऑफ फायर अल्टार्स मतलब कि ऐसी जगह जहां पर हवन वगैरह यज्ञ वगैरह किए जाते हैं ठीक है तो हम आ, हमें बिल्कुल पक्का श्योर नहीं है कि क्या ये सच्ची में रिलीजियस पर्पजेस के लिए यूज किए जाते थे ये स्ट्रक्चर्स देन हमें बहुत से प्लांट मोटिव्स मिले हैं कि जो सील है ना सील के अंदर बहुत से प्लांट्स बने हुए हैं उससे हमने क्लू लगा लिया कि ये जो है पर्टिकुलर चीज जो है वो नेचर की पूजा करने के लिए यूज किया जाता था बट वी डोंट हैव एनी क्लू उसके बाद हमें एक सील मिली है जिसके अंदर यूनिकॉर्न है मतलब एक एनिमल है जिसकी एक हॉर्न है ठीक है ये चीजें मतलब मिथिकल सी चीज है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं क्लू है आफ्टर दैट वी गॉट द सील ऑफ शिवा मतलब हमें को एक पर्सन है जो कि यौगिक पोस्चर के अंदर जो है बैठे हैं ठीक है और, और उनके आसपास जो है बहुत से एनिमल्स हैं पशु हैं कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम आज के टाइम से कनेक्ट करके पिछले टाइम का पता कर लेते हैं जैसे बीड्स हो गए ठीक है हमें जो आज के टाइम में पता है तो हम पिछले टाइम की अननोन चीजों के बारे में क्लू लगा लेते हैं पर ये सारी चीजें जो है हमें आज के टाइम में नहीं मिलती इसके बारे में बहुत अच्छे एविडेंसेस नहीं मिलते जैसे कि आपको आपने प्रोटो शिवा की ये जो सील देखी है अगर हम इसे देखें जो हमने शिवा का है ना उन्हें शिवजी का है शायद वो शिवजी हैं वो जो पर्सन है ऋग्वेद जो कि 1500 हंड्रेड टू थाउजेंड बीसी के टाइम पीरियड में लिखा गया था उसके अंदर शिवजी को ना ही पशुपति बोला गया है मतलब एनिमल्स का जो लॉर्ड है भगवान है ना ही उन्हें योगी बोला गया है मतलब वो तपस्या नहीं करते ठीक है उन्हें योगी नहीं कहा तो अब उन्हें जो ऋग्वेदा के अंदर रुद्र जरूर बोला है ठीक है शिव शिवजी को रुद्र बोला है तो अब हम उसे जो है उन्हें जो है प्रोटो शिवा नहीं बोल सकते कई स्कॉलर्स कहते हैं शायद वो जो है वो शमन है शमन का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसके पास मैजिकल और हीलिंग पावर्स हैं, मतलब तांत्रिक सी शक्तियां हैं और जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे वर्ल्ड के साथ कोई और ही वर्ल्ड है ठीक है कोई और ही जगह है जिसके साथ दूसरे सोल्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं शायद वो शमन है ठीक है तो ये सारी क्या है प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रिटेशन है एक क्लासिफाइंग द फाइंड्स ये प्रॉब्लम थी और दूसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रिटेशन सो हमने बहुत सब कुछ जाना हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पर हमें अभी और भी जानना है जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर लिटरेसी कैसी थी पढ़ाई कितनी ज्यादा प्रेवलेंट थी ग्रेट बात क्या सच्ची में रिचुअल स्ट्रक्चर था और जो सीमेंट्रीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि कई सीमेंट्रीज के अंदर जो है पहले बहुत सारी ब्रिक्स रखी जाती थी फिर पर्सन को लेटाया जाता था क्या वो कोई इंपॉर्टेंस की चीज थी क्या वो कोई डिफरेंस को शो करता है ठीक है और बहुत सारी चीजें तो फ्यूचर के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके पास बहुत सारी चीजें जो है रिसर्च करने के लिए है तो वी कंप्लीटेड द चैप्टर उसके अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो गिव थम्स अप टू एवरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो थैंक यू